ये दो चीजें इस्लाम से निकाल दो, इस्लाम खाली हो जाता है। इन्होंने तो आले मोहम्मद को ही निकाल दिया, आले मोहम्मद को इस्लाम से निकाल दिया। इन्हें वो इस्लाम चाहिए जिनमें यजीद मुसलमान हो, इन्हें वो इस्लाम चाहिए जिनमें मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे कुफर के फतवे हो, इन्हें वो इस्लाम चाहिए जिन्होंने इमाम हुसैन की नुसरत की और जामे शहादत नोश किया। कौन? जनाब मुख्तार सकफी अलैहिस्सलाम। इन्हें वो इस्लाम चाहिए जिनमें मुख्तार सकफी काफिर हो, इन्हें वो इस्लाम चाहिए जिसमें कातिल अहले बैत रजी अल्लाह हो, इन्हें वो इस्लाम चाहिए जिन्हें रसूल खुदा का जनाजा छोड़ने वाले मुसलमान हो, इन्हें वो इस्लाम चाहिए जो हक के जारा खाकर भी रजी अल्लाह कहलवाते हो, इन्हें वो इस्लाम चाहिए जो अहले बैत की दुश्मनी करते हो फिर भी रजी अल्लाह कहलवाते हो। ये वो इस्लाम के मानने वाले हैं। ऐसा इस्लाम इन्हें चाहिए कि आले मोहम्मद के घर की औरतें, आले मोहम्मद के घर की सैदानियां बीबियां बेपर्दा कर दी जाए और इन यजीदियों को फिर भी बेपर्दा करवाने वाले भी रजी अल्लाह चाहिए। ये इस्लाम है क्या? ये सबक दे के गए थे रसूल खुदा, डरा के गए थे हज्जतुल वदा के अंदर, मैं तुम्हें मेरी अहले बैत के बारे में डराता हूं। उनका खौफ रखना, उनसे मवद्दत रखना, उनसे मोहब्बत रखना। क्या किया मोहब्बत के बदले में? उन्होंने क्या दिया अहले बैत को? छुरियां, भाले, जहर, तलवार, धोखा, ये देते रहे मुसलमान आले मोहम्मद को। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने हमारी दुश्मनी वाजिब लिख दी होती, अगर लिख दिया होता अल्लाह ने कि हमारी अहले बैत की दुश्मनी रखो, तब भी मुसलमान उतनी दुश्मनी ना रखते जितनी हमारी मोहब्बत वाजिब करने पे इन्होंने दुश्मनी रखी है। फिर भी कहते मुसलमान रजी अल्लाह, अहले बैत का हक खा गए वो रजी अल्लाह, रसूलुल्लाह का जनाजा छोड़ा वो रजी अल्लाह, मौला अली अलैहिस्सलाम में जुल्म सितम करते रहे रजी अल्लाह, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिलवा के शहीद करते रहे रजी अल्लाह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पे घोड़े दौड़ाते रहे सब हरामी रजी अल्लाह। अगर ये रजी अल्लाह है तो फिर कौन मुसलमान? फिर कौन लानती है? लानती होगा कौन? इस्लाम के अंदर अगर कोई रजी अल्लाह है तो वो सिर्फ और सिर्फ वो है जिससे आले मोहम्मद राजी हो। जिससे आले मोहम्मद नाराज हो वो बदबख्त कल भी बेशुमार, वो बदबख्त आज भी बेशुमार के काबिल है। किसी की इज्जत नहीं है इस्लाम के अंदर, सिर्फ उसी की इज्जत है जिसने आले मोहम्मद की इज्जत की, जिसने सैयदों की ताजीम की, जिसने सैयदों से मवद्दत रखी, जिसने सैयदों की मोहब्बत को अपने दिल में बसाया, अपनी औलाद को सैयदों की मोहब्बत देकर गया, उसे रजी अल्लाह कहते। मौत नहीं आती तुम्हें, नाली में गटर में डूब के मर जाना चाहिए। आले मोहम्मद को शहीद करवाने वालों को रजी अल्लाह कहते फिरते हो और अब भी उन्हें बड़े बड़े इनामात दिए जाते हैं। वो देखो माविया की फजीलत पड़ रहा है, लाख लानत है तेरे अकीदे पर बदबख्त। अहले बैत की दुश्मनी करने वालों को इनाम दिए जाते हैं और अहले बैत की मोहब्बत में सर कटाने वाले मुख्तार को काफिर कहा जाता है। वो बंदे जो कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह के हाथों में हज्जतुल विदा के बाद, गदीर के ऐलान के बाद 12 कातिलाना हमले रसूलुल्लाह पे करते रहे वो रजी अल्लाह, और वो जिसने हर हमलों से रसूलुल्लाह को महफूज रखा वो अबू तालिब काफिर हो गए। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा दीन है जो आज मुल्ला मौलवी अपने मदरसों में गुमराह कर रहे हैं उम्मत मुहम्मदी को? ये कौन से दीन की तालीम दे रहे हैं? ये दीन वो दीन नहीं जो मुस्तफा छोड़ के गए थे। जिस दीन को मुस्तफा छोड़ के गए उसकी दौड़ सिर्फ अल्लाह के हाथ में थी, उसके कुरान के हाथ में थी, उसके अहले बैत के हाथों में थी। मैं तुम्हें दो चीज छोड़ के जा रहा हूं, तुम में एक कुरान, दूसरी अहले बैत, दोनों को मजबूती से थामे रखना। मगर क्या हुआ? कुरान को पीछे कर दिया और अहले बैत की गर्दनों पर तलवारें रख दी। ये दिया मुसलमानों ने आले मोहम्मद की मवद्दत का सिला। रसूलुल्लाह ने मवद्दत मांगी थी, इन बदबख्तों ने तलवारें दी। रसूलुल्लाह ने मोहब्बत मांगी थी, इन हरामियों ने चादरें छीन ली। रसूलुल्लाह ने मोहब्बत मांगी थी, इन्होंने सैयदा का हक खा लिया। रसूलुल्लाह ने मवद्दत मांगी थी, इन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम को गोशा नशीन होने पर मजबूर कर दिया। ये मवद्दत है क्या? यही सिला दिया तुमने रिसालत का?
अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि मेरे महबूब इनसे फरमा दो कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे महबूब इन उम्मत से फरमा दीजिए कि जो मैंने तुम पर एहसान किया तुम जहन्नमी थे जन्नती बनाया, तुम भेड़े बकरियां चलाने वाले थे सल्तनत चलाने वाला बनाया, तुम्हें बेटियों को जिंदा दफन करने वाले थे तुम्हें बेटियों की इज्जत करना सिखाया, उनकी कद्र करना सिखाया, तुम्हें बताया गया कि बेटियां होती क्या है, बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। ये सब एहसानात, तुम जानवर थे तुम्हें इंसान बनाया, इसका कोई बदला नहीं चाहता, कोई बदला नहीं चाहता। तुम लानतुल्लाह थे तुम्हें रजी अल्लाह बनाया, एहसान नहीं चाहिए। मेरा अल्लाह फरमाता है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरा अल्लाह फरमाता है इन एहसानात के मुझे तुमसे कोई उज्र नहीं चाहिए, सिर्फ ये कि मेरी अहले बैत से मवद्दत रखना। कुछ नहीं मांगा रसूलुल्लाह ने, मवद्दत मांगी, न माल न जर न दौलत न बीवियां न बच्चे, कुछ नहीं मांगा, न फौज मांगी। अगर मांगी तो अहले बैत से मवद्दत मांगी। क्या दिया उम्मत ने? धोखा, तलवारें, भाले, जहर। देना तो चादर चाहिए थी, बदबख्तों ने कलमा पढ़ के आले मोहम्मद के सरों से चादरें छीन ली। ये होते हैं अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाले, और आज इन्हीं लोगों की तरफदारी की जाती है, आज उन्हीं को बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं, आज उन्हीं को बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े पर्चे, पब्लिक बुला के उम्मत को गुमराह करने के लिए उन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है। कोई बंदा उठ के सवाल करने वाला नहीं कि मौलाना साहब ये जो बकवास कर रहे हो कभी ये क्यों नहीं बताते कि अहले बैत पे जुल्म सितम क्या हुआ। मुहर्रम के अंदर अशरा पढ़ने आते बकवास करके जाते हैं, रटी रटाई 10-15-20-30-30 सालों की पूरी पुरानी पुरानी रटी रटाई तकरीरें बस वही चल रही है, ना कोई हकीकत की बात करते हैं ना कोई मारिफत की बात करते हैं। जो चलता है चलने दो, हकीकत किसी को न पहुंचाने का कोई शौक है न किसी को सुनने का शौक है। अगर कोई हक बात बताए आगे से कहते खारजी हो गया, ये गुमराह हो गया, इसकी बातें ना सुनना। तो किसने तुमसे कहा कि तुम आले मोहम्मद की बातें सुनो, जहन्नम में जाओ। आले मोहम्मद की मवद्दत दिल में बसाने के लिए एक तो सबसे पहले माँ का नेक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है। ऐसा ही नहीं मिलता आले मोहम्मद का साथ, ऐसे ही आले मोहम्मद की मवद्दत नहीं मिलती। अहले बैत अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाता रहा मुआविया और आगे से बंदा कहता रजी अल्लाह। तो ऐसे कातिला ने अहले बैत के हलवाने वाले रजी अल्लाह पे भी अल्लाह की बेशुमार लानत है, और उन्हें रजी अल्लाह कहने वालों पर भी अल्लाह की बेशुमार लानत है। कमा कहा अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिही मुखबिरन व आमिरा إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما